नमस्कार दोस्तों, क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं परमानेंटली मोटिवेटेड रह सकता हूं? स्थायी रूप से क्या मुझे कोई प्रेरणा दे सकता है कि मैं रोज कुछ बढ़िया करूं? यह समस्या हम सबकी है। कई लोग इसका सही उत्तर प्राप्त कर लेते हैं और कई लोग सारी जिंदगी इसका जवाब ढूंढने में बिता देते हैं। फिर वो एक के बाद एक के बाद एक अलग अलग दरवाजे पे दस्तक देते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं से उत्तर मिल जाए। करियर फंडा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 5 बातें बताऊंगा जो अगर आपने समझ ली तो ये मान लीजिए कि आपके पास एक चाबी आ गई परमानेंट मोटिवेशन की। और ये बहुत सरल बातें हैं। क्या आप तैयार हैं? पहला बहुत इंपॉर्टेंट तरीका खुद को परमानेंटली मोटिवेटेड रखने का, टिप नंबर 1, यू ओनली लिव वंस, योलो, YOLO। आपके पास ये एक जीवन है, बस इसके आगे कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं। अगर आपके पास सिर्फ एक ही जीवन है तो इस एक जीवन के हर दिन को खूबसूरत बनाना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। और इस एक जीवन में अधिक से अधिक अचीव करने की कोशिश करना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। और इस एक जीवन में ज्यादा से ज्यादा खुश रहना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। बिकॉज यू ओनली लिव वंस। जो लोग इस सत्य को गहराई से सोचते हैं, समझते हैं और फाइनली स्वीकार करते हैं, उनमें अंदर से मोटिवेशन आता है कि भाई हम एक स्टॉप लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं रोज, यही एक सत्य है, और हमें हर रोज से 100% एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमें किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत ही क्या है। हां, अब आप में से जो लोग पुनर्जन्म में यकीन रखते हैं वो हो सकता है मेरी बात से एग्री ना करें, लेकिन फिर भी आपको एक बात से तो एग्री करना पड़ेगा कि बाद में जन्म जो होगा वो तो जब होगा तब होगा, अभी तो यही एक जन्म है ना, तो क्यों ना इसमें हम बेस्ट करें। ये है मोटिवेशन। टिप नंबर 2, ओनली यू कैन ट्रूली केयर फॉर योरसेल्फ। इस दुनिया में सामान्यतः हर व्यक्ति के लिए जो सबसे ज्यादा उसे प्यार करता है वो व्यक्ति खुद होता है। कोई भी दूसरा आपसे इतना प्यार नहीं कर सकता, मोहब्बत नहीं कर सकता, आपका इतना ध्यान नहीं रख सकता जितना आप। अब आप कहेंगे कि सर माता पिता होते हैं। बिल्कुल, लेकिन दुर्भाग्यवश माता पिता पूरी जिंदगी हमारे साथ नहीं रह पाते, या तो हम उनसे अलग हो जाते हैं या वो गुजर जाते हैं। तो यदि आप ही हैं जो खुद से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, तो आप ऐसा क्यों मानते हैं कि जो मोटिवेशनल स्पीकर है जिसकी शरण में आप चले गए हो रोज, वो भी खुद से ही सबसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करेगा? कई बार ऐसा होता है, जो हमने देखा है अपने अनुभव से, मोटिवेशनल स्पीकर्स का मोटिवेशन क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा भीड़, पैसा, शोहरत, ताकत। ये नहीं कि जो भीड़ आई है वो सफल हो रही है कि नहीं। सोच के देखिएगा मैंने क्या कहा, आपको बात समझ आ जाएगी, फिर आप परमानेंटली चार्ज हो जाएंगे। टिप नंबर 3, खुद का ख्याल रखना, एक्सरसाइज करना, अच्छा भोजन लेना, अच्छी किताबें खरीद के पढ़ना, अच्छे टेलीविजन पर अच्छी वेब सीरीज देखना, यह स्वार्थ नहीं है, यह इन्वेस्टमेंट है। खासतौर पर लड़कियों को और महिलाओं को हमारे समाज में ऐसा ट्रेन कर दिया जाता है कि अपने से ऊपर दूसरों को रखो। भाई ठीक है, आप अगर उसमें यकीन करते हैं तो कीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, खुद में इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है। आप खुद का वजन घटता देख रहे हैं, आप खुद का शरीर अधिक स्वस्थ होता देख रहे हैं, आप हेल्दी फूड का लगातार इंटेक करने की वजह से अपनी एनर्जी लेवल को हाई बढ़ता देख रहे हैं, आप बढ़िया किताबें पढ़ने की वजह से चर्चाओं में भाग ले पा रही हैं, ये बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है। लेकिन कई लोग ये इसलिए नहीं करते, उनको लगता है ये बहुत स्वार्थी ऐसा करना, तो उस थॉट प्रोसेस से मुक्ति पा लीजिए। 4th चीज होती है ट्रैवल लाइट। ये तो जिंदगी का नुस्खा बता दिया। कई बार जिस प्रकार हमारे घरों में होता है, हमारे दिलों और हमारे दिमागों में होता है, जैसे जैसे जिंदगी का एक एक साल बीतता जाता है, हमारे नए रिश्ते बनते जाते हैं, इनपुट आते जाते हैं,
चीजें इकट्ठी होती जाती है, बोझ 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 होता ना। कई बार घर में ऐसा लगता है ये इतना कूड़ा करकट कहां से इकट्ठा कर लिया हमने। हर साल एक बार सफाई, जैसे हम घर की सफाई दीपावली पे करते हैं, पुराना कूड़ा करकट सब अटारे वाले को बुला के दे देते हैं, कबाड़ी वाले को। आपके जीवन में जो इमोशंस रिश्ते अब बोझ बन गए, सबको हटा दो। वो बोझ आपको आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा, मोटिवेशन आएगा कहां से? नेगेटिव सेंटीमेंट्स को डिलीट करो, हार्ड ड्राइव से हटाओ, समझ गए? और पांचवा और अंतिम नुस्खा परमानेंट मोटिवेशन का, फ्री थिंकिंग। दुनिया को अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग से जांचो, परखो, एनालाइज करो। दूसरों की थिंकिंग पर डिपेंड होना छोड़ दो। जिस दिन आपकी स्वतंत्र सोच बन गई चीजों को देखने की, परखने की, जांचने की, आप में ऐसा जोश आएगा, ऐसा मोटिवेशन आएगा कि कोई भी दूसरा आपको क्या मोटिवेट करेगा। तो प्यारे दोस्तों, आज मैंने आपको ऐसी पांच ट्रिक्स बताई हैं, टिप्स बताई हैं, तरीके बताए हैं कि अगर आपने गहराई से इन बातों पर सोचा तो आपको एक बिल्कुल नया जीवन ही मिल जाएगा। करके दिखाएंगे।